हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक टॉपिक ब्रीड्स ऑफ कैटल। हमने हमारे ओल्ड लेक्चर्स के अंदर ब्रीड्स ऑफ बफेलो अच्छे से जो है समझा था, अच्छे से हमने देखा था, तो अभी वैसे ही हम ब्रीड्स ऑफ कैटल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूँ कैटल का मतलब क्या होता है, कैटल ये जो वर्ड है ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है मेल और फीमेल को, यानी बुल को भी और काउ को भी, तो दोनों के लिए हम कैटल वर्ड यूज कर सकते हैं। तो कुछ बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें मैंने बोर्ड पे लिखी है। हम्पर कैटल को हम बॉस इंडिकस कहते हैं, तो हम्पर कैटल को क्या कहते हैं, हम बॉस इंडिकस, और हम्पलेस कैटल को हम बॉस टॉरस कहते हैं। ठीक है, ये दोनों जो है वो साइंटिफिक नेम्स है, यानी जिसे हम बायोलॉजिकल नेम कहते हैं। तो हम्पर कैटल को बॉस इंडिकस कहते हैं और हम्पलेस कैटल को बॉस टॉरस कहते हैं। कुछ अगर हम थियोरटिकल बातें जानकारी लें जनरल बातें अगर देखें ब्रीड्स ऑफ कैटल के बारे में अगर जानकारी लें, तो ब्राजील जो है ये सबसे ज्यादा काऊ का जो पॉपुलेशन है, मेनली कैटल का, काऊ का नहीं मैं कहूँगा, कैटल बेसिकली, तो कैटल का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ब्राजील के अंदर होता है। जैसे इंडिया बफेलो पॉपुलेशन के अंदर इंडिया फर्स्ट है, वैसे ही कैटल पॉपुलेशन के अंदर ब्राजील जो है वो फर्स्ट है इन द वर्ल्ड, और हमारी इंडिया सेकंड रैंक। मतलब हमारे इंडिया के अंदर लाइव स्टॉक एनिमल्स है वो कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो अच्छे हैं, बहुत ज्यादा है। लेकिन ड्रॉबैक ये है इंडिया का, जितनी मैनेजमेंट होनी चाहिए, जितना प्रोडक्शन होना चाहिए, जितने साइंटिफिक प्रैक्टिसेस टेक्नोलॉजी का यूज होना चाहिए, ये इंडिया के अंदर नहीं होता है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर बाकी कंट्रीज के कंपेरिजन में बहुत अच्छा लाइव स्टॉक है, लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं है, इस सेक्टर के ऊपर उतना ध्यान नहीं है, इसकी वजह से इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा लाइव स्टॉक एनिमल होने के बावजूद भी इकोनॉमिकल परस्पेक्टिव से उनमें उनसे जो प्रोडक्शन मिलता है वो भी ज़्यादा नहीं होता है। तो डेफिनेटली इंडिया जो है सेकंड होता है कैटल पॉपुलेशन, और इंडिया के अंदर आपको पूछा गया कि इंडिया तो सेकंड है, इंडिया के अंदर कौन से स्टेट के अंदर ज़्यादा कैटल पाए जाते हैं, तो ध्यान में रखना है मध्य प्रदेश, तो MP मध्य प्रदेश के अंदर आपको सबसे ज़्यादा कैटल इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कैटल हम समझते हैं, हमने कैटल को हम तीन पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं मिल्च ब्रीड्स, फिर हम बोलते हैं ड्यूल पर्पस ब्रीड, और थर्ड हम बोलते हैं ड्राफ्ट ब्रीड। ठीक है, तो मिल्च ब्रीड, ड्यूल पर्पस ब्रीड और ड्राफ्ट ब्रीड। तो मिल्च ब्रीड का मतलब क्या होता है, मिल्च ब्रीड का मतलब होता है यूज फॉर मिल्क पर्पस। मिल्च ब्रीड मतलब ऐसे ब्रीड होते हैं जिनका हम ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम मिल्क पर्पस के लिए रेयर करते हैं, उनसे हमें मिल्क ऑप्टेन होता है, वो ज्यादा मिल्क देते हैं, तो ऐसे एनिमल को मिल्च ब्रीड कहते हैं। तो आप एग्जांपल ध्यान में रखो, रेड सिंधी, सहीवाल, गिर और थारपरकर। रेड सिंधी, सहीवाल, गिर, थारपरकर, ये जो है वो मिल्च ब्रीड एनिमल्स है, मिल्च ब्रीड एनिमल्स है जो ज्यादा मिल्क देते हैं, मिल्क पर्पस के लिए हमने रेयर करते हैं। ठीक है, फिर आता है ड्यूल पर्पस ब्रीड। देखो ड्यूल मतलब दोनों काम कर रहे हैं, ये जो एनिमल्स है ठीक है ये दोनों काम कर रहे हैं, दोनों काम मतलब मिल्क भी दे रहे हैं और ड्रॉप पर्पस काम के लिए भी जो है यूज हो रहा है इनका। तो इसके अंदर कौन से है, देखो ड्यूल पर्पस ब्रीड यूज फॉर मिल्क एंड फार्म वर्क। हरियाणा है आपका, हरियाणा ध्यान में रखो, हरियाणा जो ब्रीड है कैटल का ये बेस्ट ड्यूल पर्पस ब्रीड है, सबसे ज्यादा अच्छा जो ड्यूल पर्पस ब्रीड है जो अच्छा मिल्क भी देता है और काम के लिए भी अच्छा होता है वो होता है हरियाणा, बेस्ट ड्यूल पर्पस ब्रीड है। ठीक है, ओंगोल है आपका, निमारी है, कांकरेज है, देखो कांकरेज लार्जेस्ट कैटल ब्रीड है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट कैटल ब्रीड कौन सी है, तो कांकरेज, जिसे आप नंदी बैल कॉमनली हम देखते हैं ठीक है वो कांकरेज होती है। ठीक है, कांकरेज जो है लार्जेस्ट कैटल ब्रीड होती है। ठीक है, फिर डांगी है, राठी है, देवनी है, ये जो है वो ड्यूल पर्पस ब्रीड है जो मिल्क भी देते हैं और वर्क पर्पस के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ड्राफ्ट ब्रीड्स के बारे में। ठीक है, हमने मिल्च ब्रीड देखा और ड्यूल पर्पस ब्रीड देखा, तो ड्राफ्ट ब्रीड का मतलब क्या है, एक्सक्लूसिवली यूज फॉर फार्म वर्क्स, लेबर पर्पस के इस्तेमाल करते हैं, फॉर द प्रैक्टिसिंग इन द फार्म्स, अलग अलग काम करवाते हैं इनको, तो इनको हम ड्राफ्ट ब्रीड कहते हैं, यूज फॉर फार्म वर्क्स। अमृत महल, यहाँ पे अमृत महल जो ब्रीड है बेसिकली कैटल की, उसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है, इट इज द बेस्ट ब्रीड फॉर ड्राफ्ट पर्पस। जैसे हरियाणा ये बेस्ट ब्रीड था फॉर ड्यूल पर्पस, वैसे बेस्ट ब्रीड जो है ड्राफ्ट पर्पस के लिए वो क्या है, अमृत महल। फिर आपकी हल्लीकर आती है, मालवी आती है, खिल्लारी आती है, सीरी आती है, किंगर आता है, बिच्चू आता है, स्मॉलेस्ट ब्रीड ऑफ कैटल है, क्या है, देखो कांकरेज क्या था, लार्जेस्ट कैटल ब्रीड, वैसे जो बिच्चूर है बेसिकली बिच्चूर केरला की ब्रीड है, आपको अगर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर मैं बताऊं तो केरला की ब्रीड है बेसिकली, और ये जो है वो स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड है। ठीक है, कृष्णा वैली भी आती है आपकी,
कृष्णा वैली की आपको खासियत अगर मैं बताऊं ना, कृष्णा वैली जो ब्रीड है इसका जो टेल होता है ना, टेल बहुत ही ज्यादा लंबा होता है कृष्णा वैली ब्रीड की, वो लगभग मतलब ग्राउंड को टच करती है। कृष्णा वैली इज बेसिकली इसका यूनिक फीचर इस ब्रीड का। और आखिरी जो है कंगायम, तो कंगायम जो है वो तमिलनाडु को उसे इसको तमिलनाडु के अंदर प्राइड ऑफ तमिलनाडु कहा जाता है इस ब्रीड को, मतलब उन तमिलनाडु स्टेट के अंदर एक ब्रीड बहुत पॉपुलर है तो कॉमनली इसे प्राइड ऑफ तमिलनाडु कहा जाता है। ठीक है, तो ये है ड्रॉफ ब्रीड्स। तो हमने कैटल्स का क्लासिफिकेशन किया, मिल्च ब्रीड्स देखे उसके अंदर अलग अलग हमने कैटल्स देखे, ड्यूल पर्पज ब्रीड्स देखे उसके अंदर हमने अलग अलग कैटल देखे, और ड्रॉफ्ट ब्रीड देखे उसके अंदर हमने अलग अलग कैटल देखे। और उसके साथ ही हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई, जैसे हमने कहा कांकरेज लार्जेस्ट कैटल ब्रीड है, विचूर स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड है, हरियाणा बेस्ट ब्रीड है फॉर ड्यूल पर्पज, अमृत महल बेस्ट ब्रीड है फॉर ड्रॉफ्ट पर्पज, और कंगायम को प्राइड ऑफ तमिलनाडु कहते हैं, और विचूर स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड है केरला के अंदर पाई जाती है, और कृष्णा वैली की टेल जो है बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है। तो अभी हम देखेंगे ब्रीड्स ऑफ कैटल के अंदर एक्सोटिक ब्रीड्स। एक्सोटिक ब्रीड्स मतलब ये हमारे देश की नहीं है, ये परदेशी ब्रीड है, विदेशी ब्रीड है। ये क्या है, ये विदेशी ब्रीड है। इसके अंदर जर्सी आती है आपकी, एचएफ होलस्टीन फ्राइसन आता है, ब्राउन स्विस आता है, और हाईशर आता है। ठीक है, अब जर्सी आपको पता है, देखो जर्सी जरूर बहुत ज्यादा मिल्क देती है, लेकिन न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी जो देसी गाय होती है, देसी का हो, उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होता है। लेकिन जर्सी जो है वो इसका लार्जेस्ट लैक्टेशन पीरियड होता है, ध्यान में रखो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट लैक्टेशन पीरियड। तो देखो बेटा, तो जर्सी के बारे में हमने क्या बोला था कि लार्जेस्ट इसका लैक्टेशन पीरियड होता है 365 डेज, और इसके अंदर सबसे ज्यादा फैट होता है 5%, सभी ब्रीड में से सबसे ज्यादा फैट जो जर्सी के अंदर होता है। एचएफ की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा मिल्क देने वाली ब्रीड है हमारी एचएफ, और इसके अंदर सबसे कम फैट होता है। मैंने पहले आपको कहा था, देखो आप अगर रेगुलर हमारे लेक्चर को देखते थे, मैंने पहले एक लाइन लिखी थी कि फैट पर ज्यादा फैट अगर होगा तो मिल्क परसेंटेज क्या होगा, कम होगा। सबसे कम मिल्क फैट परसेंटेज जो होता है वो एचएफ का होता है, और ब्राउन स्विस हाईशर ये सब क्या है, एक्सोटिक ब्रीड्स है। ठीक है, तो हमने जो है ब्रीड्स ऑफ कैटल के बारे में डिस्कस किया है, पूरा हमने बात किया है, तो अलग अलग प्रकार से ब्रीड्स हमने देखे हैं। तो थैंक यू, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।